हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लेह के टॉप 5 पर्यटन स्थलों के बारे में। अगर आप लेह घूमने का सोच रहे हैं तो इन 5 जगहों पे ज़रूर घूमें, क्योंकि दोस्तों मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस यह है कि अगर आप लद्दाख ट्रिप पर जा रहे हैं तो आपको लेह में कम से कम एक दिन ज़रूर ठहरना होगा, जिससे आपकी बॉडी को उस नए वातावरण को एडजस्ट करने में थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम ले आने वाले पर्यटकों का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, जहां पर पाकिस्तान से हुए कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेनाओं की तस्वीरें, उनके परिवार द्वारा भेजे गए पत्र और युद्ध के दौरान उपयोग में लाए गए हथियारों और उनके ड्रेसों को अच्छे से तरीकों से रखा गया है। कारगिल युद्ध में देश के लिए दिए गए बलिदान हम कभी भूल नहीं सकते। भारत देश से प्यार करने वाले सभी पर्यटक ले आने के बाद हॉल ऑफ फेम आते हैं और कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। नंबर 2, शांति स्तूपा। लद्दाख की नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का भी एकमात्र शांति स्तूप कहीं पर है तो वो है लेह, जो लेह शहर से लेह से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेह में स्थित शांति स्तूप का निर्माण दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए किया गया है। शांति स्तूप को विजिट करने के बाद एक अलग तरह की ही शांति का एहसास होता है। लेह में स्थित शांति स्तूप से लेह शहर का एक काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक नज़ारा देखने को मिलता है, जिसका अनुभव आप लेह के शांति स्तूप को विजिट करने के बाद ही कर सकते हैं। लेह में स्थित शांति स्तूप की दूरी लेह शहर से करीब 5 किलोमीटर है, जहां पर आप लेह जाने के बाद जा सकते हैं। नंबर 3, लेह मार्केट। लेह गए और लेह मार्केट ही ना घूमें तो लेह जाना ही बेकार है, क्योंकि रात के समय में लेह मार्केट काफ़ी बेहतरीन दिखाई देता है। यहाँ पर आपको आपकी ज़रूरत की सभी चीज़ें काफ़ी आसानी से मिल जाएगी और साथ ही यहाँ पर लद्दाखी और तिब्बती वस्तुएं जैसे गर्म कपड़े वगैरह आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको बौद्ध धर्म की सभी वस्तुएं देखने मिल जाएगी। नंबर 4, लेह पैलेस। लेह में स्थित 9 मंजिलों वाला यह पैलेस 18वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। यह पैलेस आज भी ले आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आने वाले पर्यटक लद्दाख के अलग अलग पर्वत के साथ सिंधु नदी के भी मनमोहक नज़ारे को एंजॉय कर सकते हैं। ले शहर से ले पैलेस करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप ले आ रहे हैं तो ले पैलेस को विजिट करना ना भूलें। नंबर 5, स्पितुक कोम्पा। स्पितुक मॉनेस्ट्री लेह से करीब 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्पितुक मॉनेस्ट्री बौद्ध धर्म के मठ होने की वजह से इनके अंदर हिंदू धर्म की देवी काली माता का एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। स्पितुक मॉनेस्ट्री के बगल से ही हिमालय से गिरती हुई सिंधु नदी यहां आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को काफ़ी पसंद आता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।